ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं मैं। अदम्ब है साहस मुझ में, अथाह है ऊर्जा। मैं बेबाक पथिक हूं विजय पथ का, आदि हूं मैं ही अनंत हूं। मैं कर्मयोगी हूं, आशाओं का धर्मा हूं। मैं डायमंड नरेंद्र शर्मा हूं। एक सीधे साधे मामूली परिवार से संबंध रखते हैं नरेंद्र शर्मा। इन्हीं मामूली अभावग्रस्त हालातों में उन्होंने 12वीं तक की शिक्षा हासिल की, मगर क्रिकेट से बेपनाह इश्क की खातिर दिल्ली क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर ली। लेकिन उन दिनों फीस देने के लिए पैसे भी नहीं हुआ करते थे। पिता ये बोझ उठाने में विफल थे। प्रतिभाशाली होने के बावजूद धनाभाव के कारण नरेंद्र शर्मा को एकेडमी छोड़कर घर लौटना पड़ा, लेकिन वो हारे नहीं, आगे की पढ़ाई प्रारंभ की और क्रिकेट कोचिंग में भी दिल लगाया। कुछ समय के लिए बैंक में भी काम किया ताकि फीस की व्यवस्था हो सके। इसी दौरान किसी सहयोगी के मार्फत जीवन को विशिष्टतम उपलब्धि प्रदत्त करने वाला सेफ शॉप का विस्तृत प्लान देखा। शंकाओं से घिरे नरेंद्र शर्मा को प्लान में कोई दिलचस्पी न थी, पर जब उन्होंने आगरा में एक कंपनी का प्रोग्राम देखा तो सभी शंकाओं का अरावली पर्वत ढह गया। नरेंद्र शर्मा ने वहां पहली बार शून्य से शिखर तक की यात्रा करने वाले पथिकों की संघर्ष कथाएं सुनी थी। तदुपरांत वो जी जान से अपने स्वप्न को पूरा करने में लग गए। अनेकानेक समस्याएं आई। जा जला सूरज को जाके आसमां पे तू, ऐ परिंदे भर ऐसी उड़ान तू, हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों। तिरस्कारों परिहासों के जख्म झेले, अपमानित हुए किंतु अडिग रहे। सिस्टम और अपलाइन पर 100% विश्वास रखा। मेहनत लगन और बेबाकी से बढ़ते रहे। शर्मा ने फाइनली असफलता की आखिरी बॉल पर सिक्स मारकर सफलता का अकल्पनीय इतिहास रच ही दिया। आज नरेंद्र शर्मा हजारों लोगों की उम्मीद है, आज के डायमंड लीडर है। आज श्री संपदा ऐश्वर्य समृद्धि की धूप से उनके घर का कोना कोना महकता है। कम उम्र में ही उन्होंने प्रगति के कई उन्नत आयाम तय किए हैं। मुझ में वेग पवन सा है, धरती सी है विशालता,
अग्नि के जैसा तेज है मुझमें, जल जैसी है निर्मलता, आकाश के जैसे मैं विराटतम, मैं जीवन का नगमा हूँ, मैं डायमंड नरेंद्र शर्मा हूँ। उम्मीदों के फलक पे जो सूरज खुद का उगाते हैं, हौसलों के पर लगा के वक्त के आगे जाते हैं। Lead us forever. Oh, lead us forever.